वालेकुम, तुझ भी के किचन में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कुछ भी के किचन में सिखा रही हूँ करेले की सब्ज़ी बनाना। बिल्कुल ये कड़वी नहीं होगी और आप हैरान होंगे कि इसकी कड़वाहट कहाँ गायब हो गई। तो इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं आपको लिखवाती हूँ। आधा किलो करेले लीजिए और उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिए, इतना बारीक जैसे मैंने काटा है, ठीक है। और मैंने फिर इसको फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज कर दिया था, तो ये फ्रेश फ्रेश से हैं अभी, एक दिन पहले। अच्छा खैर, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ मैं नमक दिया है, मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून है ये, मैं इसको ज़्यादा सा नमक डाल के छोड़ दूँगी, ठीक है। अच्छी तरह इसमें आप नमक डालेंगे, मैं हाथ से इस्तेमाल कर लूँगी, ठीक है। इस तरह नमक डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे खूब अच्छी तरह से, इसको मिक्स करके और इसको कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा छोड़ दें, ठीक है। सही, थोड़ा सा और डाल दूँ, फिर हम इसको अच्छी तरह मसल मसल के धोएंगे। एक तो इससे पानी छूटेगा कड़वा, वो उसका हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसको हम रख देते हैं साइड पे। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए वो सामान मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे मुझे चाहिए 1 अदद प्याज लिए मैंने, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, उनको काटा है, बहुत तेज़ हरी मिर्चें हैं तो मैंने 2 ली हैं, वरना मैं 3 से 4 डालती थी। मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है, उसको बारीक काट लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं। हल्दी है, कच्ची हल्दी जो मैं यूज़ करती हूँ, पिसी हुई घर की, वो ली है 1 से 2 टेबल स्पून। आप घर की जो आम हल्दी लें तो 1 टीस्पून ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ नमक लूँगी मैं हसबे जायका, कुटी मिर्च हसबे जायका, ज़ीरा, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टार्टरी पाउडर, इसको हम यूज़ करेंगे और उससे हम इसकी करेलों की कड़वाहट ख़त्म करेंगे। ये है मेरे पास गरम मसाला पाउडर। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप है हमारा, करेलों को हमने नमक लगा के रखा था। अब आ जाइए, एक देगची में पानी गर्म करेंगे आप अच्छी तरह, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून टार्टरी पाउडर, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 टीस्पून भर के ऐसा होता है टार्टरी पाउडर, आपको शायद समझ में आ रहा हो, दाने दाने से होते हैं, आम दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। टार्टरी पाउडर ये हम इसमें डालेंगे और इसको चला लेंगे, ये तेज खट्टा पानी तैयार हो जाता है, सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो करेले हमने नमक लगा के रखे थे इनको मैं अच्छी तरह मसल मसल के धोती हूँ, फिर उसके बाद इस उबलते हुए पानी में टाटरी के इसको डाल के उबालूँगी। यहाँ पानी अच्छी तरह उबल रहा है और मैंने इनको करेलों को अच्छी तरह से धो लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, नमक बहुत ज़्यादा लगाते हैं इसलिए उसको धोना पड़ता है, वरना आपके सालन में कड़वाहट आ जाएगी, मतलब नमक की भी आएगी और करेले की भी आएगी, डबल डबल कड़वाहट होगी इसलिए, ठीक है। इसलिए मैं अब इसको इस यहाँ पे उबलने के लिए छोड़ रही हूँ, कोई 5 से 10 मिनट ये उबलेंगे और फिर हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम इसका आपको थर्ड स्टेप दिखाएंगे कि क्या करना है, सही है। अभी ये करेले ठंडे ठंडे डाले ना, इसलिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गया है, नीचे आ गया है। अच्छा, इसको हम ढक देते हैं अच्छी तरह से, ये उबल जाए, 10 मिनट तक उबलेगा, सही। फिर हम करते हैं सेकंड स्टेप स्टार्ट, इसका मसाला बनाना। मसाला बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो घी में डालती हूँ प्याज, ज़ीरा और हरी मिर्च। यहाँ पे करेले उबल रहे हैं अच्छी तरह, ठीक है। और दूसरे चूल्हे पे मैंने देगची चढ़ा दी है, कंगाल के हमेशा बर्तन यूज़ किया करें, रखे हुए बर्तन ना यूज़ करें, धुले हुए भी हों तब भी। अच्छा, उसका पानी भी खुश हो जाए और प्याज में जो धोने से गीलापन है वो भी ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बगैर तेल घी के
इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी इसे पानी खुश्क होने के बाद हसबे ज़रूरत घी या तेल, बहुत ज़रा से ही डालते हैं, सब्जियों में ज़्यादा ना डाला करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्याज जो है ये हो रही है हल्की हल्की सी गुलाबी, इसको मैंने ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी सी गुलाबी हो तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है, 1 टीस्पून ज़ीरा डालने के बाद 1 टीस्पून कुटी मिर्च और हसबे ज़ायका नमक, कम डालिएगा क्योंकि हमने करेलों में भी काफ़ी डाला था, धुलने के बाद भी हो सकता है उसमें नमक थोड़ा सा फील हो इसलिए। और ये वैसे भी आधा किलो से पकने के बाद तो एक पाव रह जाते हैं जब मैं इसको फ्राई करूँगा। अब यहाँ पे मैंने डालनी है हल्दी पेस्ट, ये डाल के भूना और फिर इसमें ये भून गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर और इसको मैं ढक के रख दूँगी जब तक टमाटर गल नहीं जाते, सही। बस इतना सा काम था, बड़े मज़े का मसाला बन गया है, टमाटर गलेंगे तो बहुत अच्छा सा पेस्ट नज़र आएगा, सही। अच्छा, अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसका पानी, क्योंकि ये तैयार है, इसका पानी फेंक के इसको छलनी से छान लूँगी और फिर इसको मैं फ्राई करने के लिए तवे पे डालूँगी। तवा जो है वो चढ़ा दिए, गरम हो रहा है और साथ में मैंने करेलों का पानी जो है फेंक के और इसको छान लिया है, खट्टा पानी निकाल के, और उसके बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरह पानी से धोया है क्योंकि तेज़ खट्टापन इसके अंदर ना रहे। अब मैं इसको तवे पे डालूँगी और इसको फ्राई करेंगे सूखा सूखा सा। एक हाथ पूरे रख दें और इसको हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहें जब तक ये बिल्कुल ड्राई होके खुश्क होके तैयार ना हो जाए। इसको ऐसे ही हम भूनते रहेंगे, हल्का सा घी डाल के, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे जो मसाला हमारा बन रहा है, अगर आप चाहें तो इसमें तेंगा मिला लीजिए, चने की दाल मिला लें तो ये करेले चने की दाल बन जाएगा, सेम ऐसे ही बनता है, और कीमा डाल लेंगे तो कीमा करेले बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सब्ज़ी सिखा रही हूँ तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही, सिर्फ मसाला ही बनाऊँगी। और इस मसाले में इसको फ्राई करके ड्राई बिल्कुल हो जाएंगे जब ये, तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी, ठीक है। अभी ये गीले गीले हैं, पानी है इसमें, पानी जैसे ही खुश्क होता है तो हम इसको इसमें डालेंगे जी। तो यहाँ पे मैंने ये फ्राई कर लिए हैं अच्छी तरह ड्राई ड्राई से बिल्कुल, और थोड़े डार्क कर दिए हैं। इस तरह हमारे ये करेले जो है रेडी हैं और ये मसाला जो भुन गया है बस इसमें ऊपर से इसको ऐड करेंगे और इसको बस हल्का सा चला के और इसको निकाल लेंगे। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे करेले इसमें डाल के तो ये कड़वे हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बस हल्का सा मिक्स किया और ये डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके मसाले में निकाल लिया है, बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार से करेले की सब्ज़ी तैयार है और बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, बेहतरीन है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।